मां बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लंबा पिंड चौक जालंधर में मां बंगला मुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान ऋतु एवं मनमोहन भट्टी से पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति उपरांत आए हुए भक्तजनों से अपनी बात करते हुए सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने आत्मा और परमात्मा के बारे में व्याख्यान किया कि आत्मा के स्वरूप को समझना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति संसार में राग द्वेष क्लेश के कारण दुखों को प्राप्त करता है। भी उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि वे समय रहते सत्य से अवगत हो जाए कि जन्म लेने के बाद उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। धर्म शास्त्रों में मानव शरीर के विषय में कहा गया है कि ये भवसागर को पार ले जाने के लिए एक नौका के समान है। इस देह में जो जीवात्मा का निवास होता है वह परमात्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए आत्मा को पहचानना ही आत्मदर्शन है। इस अवसर पर बंटू सब्रवाल, विशु सब्रवाल, नीरज सब्रवाल, पूनम प्रभाकर, रूपम प्रभाकर, अमरजीत सिंह, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, बाबा हलचल, सुनील जग्गी, दीपक, प्रिंस कुमार, पप्पू ठाकुर, बलदीप सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारी का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। माता जी का बोल साचे दरबार की जय। अज माँ बगला मुखी धाम जो कि लम्मा पिंड चौंक गुलमोहर सिटी को स्थित है, माँ के भव्य मंदिर के महामई के निमित्त निःशुल्क जोड़ा हर सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता। अज संक्रांति के शुभ अवसर पर महामई के दरबार से वरदे मीह के बहुत तेज़ मीह के भी श्रद्धालु पहुँचे और महामई का आशीर्वाद दिता, हवन यज्ञ आहुतियां डालियां। साड़ी जगदंबा के चरणों च बारंबार यही प्रणाम और अरदास बेनती है, जगदंबा कृपा करो और अपने बच्चों के उत्ते आशीर्वाद रखो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना 28 जुलाई दिन रविवार को मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा, सवेरे 7 बजे तो लैके 9 बजे तक, उस तो उपरांत 10 बजे तो लैके 12 बजे तक विभिन्न प्रकार दीयां पार्टियां भजन गायक महामई का गुणगान करनगे। 12 बजे महामई नू 56 भोग लगनगे। हर साल संक्रांति ते जिहड़ा जुलाई महीने का आखिरी रविवार आता है उदों महामई नू 56 भोग लगाई दे है और उस दिन झूले च महामई का स्वरूप विराजमान होएगा
ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਮਨੋਰਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ, ਪੁਲਾਓ, ਮਿੱਠਾ, ਨਮਕੀਨ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਓ ਔਰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 28 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਰਵੀਵਾਰ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ 56 ਭੋਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ।